हेलो व्हाट्सअप 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस माय फर्स्ट नाइट ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि हमारे रूम में कितने लोग रहते हैं और कहाँ कहाँ से रहते हैं। तो गाइस आज चलिए आज इस टॉपिक में हम लोग आज ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो आज देख लीजिए और देखिए कि गाइस हमारा ब्लॉग कैसा बनता है और कैसा नहीं बनता है। तो अभी हम अपना रूम में जाके और दिखाते हैं कि मेरे रूम में कितने कितने लोग रहते हैं और कहाँ कहाँ से रहते हैं और कौन कौन है, ऑपरेटर है, हेल्पर है, क्या है। तो गाइस अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस चलिए जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं गाइस। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके आपका नाम क्या है? हमारे सीनियर ऑपरेटर है ये, तो एक्सवेटर ऑपरेटर। तो आपका नाम क्या है गाइस? विजय। विजय, थोड़ा आप थोड़ा बोलिए। आपका नाम क्या है बताइए? विजय। हाँ, क्या करते हैं आप? पोपलेन चलाते हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। अच्छा, तो आप यहाँ आने का रीज़न क्या था आपका? जो काम करने के लिए आए थे। हाँ, और क्या हुआ जो आप इतना दिन से यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग देख रहे हैं। नहीं दे रहा है इधर ड्यूटी, नहीं दे रहा है किस बुला के ड्यूटी नहीं दे रहा है। अच्छा, तो कौन सा कंपनी है जो ड्यूटी नहीं दे रहा है आपका? SPL है। अच्छा, SPL है। तो आपका यहाँ पे काम हो गया कि आप घर जाने वाले हैं कि यहीं पे रुकने वाले हैं? काम यहाँ मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो घर जाएंगे ना। अच्छा, तो बुलाया था तो काम नहीं दे रहा है क्या? नहीं। अच्छा, नहीं दे रहा है, ठीक है। आपके लिए हम लोग कल जाके बात करेंगे, काम दिलवाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए अब दूसरे के पास चलते हैं, बहुत लोग हैं तो टाइम अभी उतना है भी नहीं। नाम क्या है? मेरा नाम शॉर्ट में बताओ या फिर लॉन्ग में बताओ? आपका जैसा मन हो वैसा बताइए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा टाइम है हम लोगों के पास। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? काम करने के लिए आए भाई, देख रहा है सब काम कर रहे हैं तो मैं भी आया इधर काम करने। अच्छा, काम करने, मतलब हमको नहीं दिख रहा था ना इतना दिन से कि आप काम करते हैं। अच्छा, अभी आप पढ़ाई करते थे तो काम करने आए हैं? यही सब क्वेश्चन करता है भाई, तुम पढ़ाई कर रहा था यार, काम करने क्यों आ गया? तो आप बताइए कि यहाँ पे कैसा है कैसा नहीं, आप काम कर रहे हैं इतना दिन से, अच्छा कंपनी है कि नहीं है? सब ठीक ठाक है सारा, क्या बस यहाँ पे खाना बहुत खराब है, जो खाना मिलता है वो बहुत खराब है। खाना बहुत खराब है, तो और क्या क्या है बताइए हमारे पब्लिक को? अच्छा है और यहाँ पे कंपनी में काम भी अच्छा होता है, बस यहाँ का खाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, और जो पैसा पेमेंट मिलता है वो लेट से मिलता है और कम मिलता है। अच्छा, तो आप ऑपरेटर हैं कि हेल्पर हैं कि अभी आप सीख रहे हैं? ये सब मत पूछो। तो बताइए कि आप क्या काम करते हैं, पब्लिक को ये भी तो पता चलना चाहिए कि आप यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं। ये सब नहीं बताना चाहिए, ये सब बताने से नज़र लग जाती है। नहीं, नज़र नहीं लगता है, आप बताइए कि किस लिए आए हैं, किस काम के वजह से आप आए हैं? काम करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो पब्लिक का डिमांड है कि आपको आप क्या काम करते हैं वो बताइए। पब्लिक बताएगा, कमेंट करेगा तब मैं बताऊंगा। हाँ, पब्लिक कमेंट करेगा गाइस, आप लोग दबा के सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो आप बताइए। गाइस ये लोंडे को बहुत मेहनत करा है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़ा इसका हौसला बढ़ा दो, बहुत मेहनत करता है लड़का, इधर उधर कैमरा लेके घूमते चलता है, सब्सक्राइब कर दो इसके चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइस, बहुत मेहनत करता है। तो गाइस अब चलिए दूसरे के पास जाते हैं। पवन कुमार यादव। हाँ, आपका घर कहाँ पे है? तो आपका घर कहाँ पे है? यूपी। यूपी। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं कि लेबर? क्या करने आए? लेबर करने आए। अच्छा गाइस, लेबर करने आए, तो आप यहाँ पे लेबर का क्या काम करते हैं जो आप यहाँ पे इतना दिन से हैं? सरिया ढोते हैं, माल हैं, गिट्टी उट्टी ढोते हैं। अच्छा, और क्या क्या ढोते हैं आप बताइए पब्लिक को? बस वही सब जो लेबर काम होता है बस वही करते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, तो यही पब्लिक जानना चाह रहा है कि आप यहाँ पे हैं इतना दिन से तो क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं बताइए पब्लिक को। बस वही जो है मेरा काम वही करते हैं। अच्छा, तो गाइस चलिए, तो अब चलिए दूसरे खाते हैं, बोरी उठाते हैं, मसाला बनाते हैं और भोला बनाते हैं। अच्छा, तो गाइस ये एक्सपीरियंस बंदा है, ये स्मार्ट है, तो ये थोड़ा, तो गाइस चलिए दूसरे के पास जाते हैं अभी। और एक बंदा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकांत है। चंद्रकांत है, तो आप कहाँ से रहते हैं? हम तो
तो झारखंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपका नाम मतलब, और आप क्या काम के सिलसिले में आए हैं यहाँ पे? हम एक्सकेवेटर चलाते हैं। एक्सकेवेटर चलाते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे किस मकसद से आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं वो बताइए पब्लिक को। अपना घर का प्रॉब्लम के चलते इधर कमाने के लिए आया हूँ, दो पैसा कमा के जाऊँ। और बताइए थोड़ा पब्लिक को, ताकि आपके बारे में मालूम पड़े पब्लिक को कि आप यहाँ पे आके क्या क्या करते हैं और क्या मजबूरी है, बाहर आना कितना मुश्किल है, बाहर में रहना कितना मुश्किल है, आप बताइए इसको पब्लिक को। बाहर में रहना बहुत मजबूरी है, इधर काम करने में दिक्कत होता है, खाना खाने में बहुत परेशानी हो रही है। और क्या क्या दिक्कत है? खाना टेस्ट नहीं आ रहा है। तो गाइस खाना टेस्ट नहीं आ रहा है, बट फिर भी ये सुबह का पार्सल 3-4 मारता है गाइस, तो आप इसका खाने में मत जाइए। नहीं नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा, नाश्ता हमको 3-4 लगता है, लेकिन खाना एक एक ही रहता है। अच्छा, तो और बताइए थोड़ा और जानना चाहता है पब्लिक आपके बारे में। मेसू बंडा रहेगा तो 5-6 चाहिए मेरे को। अच्छा, और वैसे राइस में तो हमको कमी में हो जाएगा ऐसा, लेकिन लेमन राइस तो उतना ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, तो गाइस ये लेमन राइस हमारे रूम का कोई भी शख्स खाता नहीं है लेमन राइस के अलावा। और बताइए, मिलेगा तो 2 पूरी मार देगा, 2 पार्सल। और क्या बोलते हैं, मैसूर बोंडा आ गया तो 4-5 चाहिए। तो गाइस चलिए अब दूसरे के पास जाते हैं। जाइए। तो गाइस अभी हम इसके पास आए, ये देखिए, ये यहाँ पे अपना जो भी है इसका मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक जो भी, ये अभी थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी हम बताएंगे ये क्या क्या करता है और क्या कहाँ से है कहाँ से नहीं है। गाइस आ चुके हैं सबसे माना और पहचाना जाना, तो भाई तो आपका नाम क्या है ये बताइए हमारे पब्लिक को। बहुत ज़्यादा आप डिमांड में रहते हैं और बहुत ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में घुसे हुए रहते हैं, तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम एमडी सब्बा करीम है। हाँ, थोड़ा आप वॉल्यूम बढ़ा के बात करें, थोड़ा आवाज़ भी जाना चाहिए, तब तो समझ में आएगा आपका नाम क्या है। आवाज़ इतना ही निकल रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं। आप थोड़ा निकालिए, एनर्जी डेवलप कीजिए, एनर्जी तो आप ले लीजिए एक टू मैक। अच्छा मैक, तो गाइस इंशाल्लाह मैक बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपका नाम आप बताइए थोड़ा, आपका नाम। मेरा नाम एमडी सब्बा करीम है। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ आपका घर है आप बताइए। जिला है, तो चटनियाबाग में सुनते हैं बहुत शेर लोग रहते हैं, चटनियाबाग बहुत नामक ग्राम है। अरे चटनियाबाग के आदमी सब शेर है। अच्छा, नाम में ही नहीं देख रहे बाघ। हाँ, चटनियाबाग कभी भी दहाड़ देगा। हाँ वो तो है, क्या कि हम भी चटनियाबाग का है। तो और यहाँ पे आके आप क्या किए हैं इतना दिन से वो बताइए। आए हुए हो गया 4 साल। हाँ 4 साल से हम बाहर में हैं। अच्छा, तब घर नहीं गए, सोचे हैं जिला में जाने के लिए। अच्छा, आके जिंदगी बना रहे हैं, जिंदगी से लड़ रहे हैं। अच्छा, और बताइए, तो घर से आए हैं यहाँ पे और काम क्या करते हैं यहाँ पे आके आप? फिलहाल के लिए आए थे हेल्परी के लिए 2021 यहाँ 20 में या 21 में आए थे, याद नहीं, बहुत दिन हो गया। अच्छा, तो आए थे उस समय हमको कोई चीज़ का मतलब हुनर नहीं था हाथ में। हाँ, और पैसा तो भाई बहुत ज़रूरी है। हाँ, घर का जिम्मेवारी है। अच्छा, वो सब सोच समझ के हम तो इंटर तक किए, पढ़ाई किए इंटर तक, उसके आगे घर वाला का हाथ नहीं था पढ़ाने का। अच्छा, तो शुरू करें कि आप हाथ में हुनर नहीं है पैसा। हाथ में हुनर नहीं था, घर में पैसा का प्रॉब्लम था, तो सोचे चलो क्या पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, घर वाला को भी देखेंगे, इसीलिए बाहर आ गए। 4 साल हो गया, 2 साल तकरीबन एक्सकेवेटर जो पॉपुलर है, जो माटी कोड़ता है। हाँ, उसमें 2 साल एक्सपर्ट किए, चांस मारे हैं, 2 साल हो गया यही कंपनी में मेरा, 4 साल हो गया। अच्छा, और जुलाई में सोचे हैं घर जाने के लिए, घर वाला भी बोल रहा है बहुत। हाँ, भेंट मुलाकात करके। अच्छा, आगे जो करना है यही बाहर का जर्नी भाई, बाहर का जिंदगी बहुत। और आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि बहुत लोग गांव से आना चाहते हैं बाहर, बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर में बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं लोग बाहर जाके,
अब बताइए तो कि क्या क्या है? वो सब कुछ नहीं है, सबका अपना अपना मजबूरी है। अच्छा, जो जैसा मजबूरी में है वो अपना वैसा काम कर रहा है। बाहर आने के बाद ऐसा थोड़ी है जो पूरा दुनिया भर का पैसा आ गया फिर गया उठा लिए यहाँ भी मेहनत करना पड़ता है, कहीं भी जाना हो वहाँ मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और फिर आप बहुत स्टॉक में, आपके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा स्टॉक है, चार्ट है, ये वो है, तो आप इस मतलब इसे आप कितना इनकम कर चुके हैं वो पब्लिक बताइए? ज़्यादा पब्लिक लॉस नहीं पूछता, ज़्यादा इनकम पूछता है कि आप कितना इनकम किए हैं। इसमें आने के लिए आपको फाइनेंशियली मजबूत रहना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हाँ, और बहुत सारा चीज़ है जो आप समझ नहीं सकते। तो गाइस, अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप एमडी सब्बर करीम के पास आइए, चकनिया बागेश का घर है ये, बहुत ज़्यादा फुल जानकारी। हाँ, तो अभी घर में नहीं बट जुलाई में जाने वाले हैं, आप लोग अगर जानकारी चाहिए तो सब्बर करीम के पास आइए, और स्टॉक के बारे में मार्केट एनालिस्ट जो भी है आप ये सब्बर करीम बताएगा, जानकारी देगा। तो और थोड़ा कुछ आप बता दीजिए पब्लिक को, वो हम हर रोज़ देखते हैं कि आप अपने बैग में बहुत ज़्यादा खजाना रखते हैं, तो वो एक राज बताइए पब्लिक को कि आप अपने बैग में क्या क्या खजाना रखें। तो गाइस, आप लोग देखिए, ये अपना ये बैग में लॉक करके रखता है तो ताकि कोई इसका मतलब खजाना टच ना करे, तो वो बताइए कि हमारा। हाँ, तो आप हमारे रूम वाले ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि आप अपने बैग में क्या क्या रखते हैं जो इतना ज़्यादा है, आप बताइए थोड़ा। अच्छा, की खजाना है तो आप कंफर्म कर दीजिए क्या है? अच्छा, तो वैसे चलिए, अब इसका हो गया है कंप्लीट इंटरव्यू, तो अब जाते हैं दूसरे के पास। ये ना इश्क ना गम, देखो कितना खुश है हम। हाँ, तो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं एक सैर शहरी के पास, तो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकलेन रजा है। अच्छा, शकलेन रजा है, आप भी कहाँ से हैं और कहाँ से आए हैं? मैं बोकारो जिला से हूँ, झारखंड में पड़ता है ये। हाँ, और चटनिया बागी सारम गोमिया पूरी। अच्छा, तो आप आए यहाँ पे क्या चीज़ सिलसिले में आप यहाँ पे आए हैं? मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, काम करने के लिए। अच्छा, तो आप क्या काम करने चाहते हैं यहाँ पे आके, क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पर पॉपलेन सीख रहा हूँ। अच्छा, हेल्पर हूँ। हाँ, तो आप इतना दिन से क्या क्या सीखे हैं थोड़ा पब्लिक को बताइए। मैं इतना दिन से जो भी सीखा हूँ बहुत सीख लिया हूँ। हाँ, और दिखा नहीं सकते हैं क्या सीखा हूँ। अच्छा, ये हाँ, और यहाँ से इंशाल्लाह सीख के जाऊँगा। हाँ, इंशाल्लाह आप सीख के जाइएगा यहाँ पे। तो आप बताइए कि हमारे गांव का लड़का भी बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे आएँ इस जगह पे, तो आप बताइए कि यहाँ का प्रॉब्लम क्या क्या है ये बताइए आप, क्या कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आप बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ का? प्रॉब्लम सिर्फ खाना है। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है। पेमेंट वेमेंट पे थोड़ा लेट से आता है। अच्छा, सीखने वाले को पेमेंट का जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपने पक्की बात बताई है। और क्या बताएं, और खाना ही सही नहीं है तो आदमी टिकता नहीं इधर। तो आप अपना अपना लाइफ स्टाइल के बारे में देख लीजिए, अभी आने बहुत कैसा था, अभी कैसा हो गया, मैं छुपा के रखा हूँ। हाँ, तो वो छुपाने वाला चीज़ें छुपा के रखे आप, तो आप अपना लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए। आपका हेयर, आपका टोपी चश्मा बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं आप। मेरा हेयर स्टाइल, आदमी का पैसा आने लगता है, हेयर स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। हाँ, और थोड़ा अपना वो चश्मा का लुक बताइए, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। ये मैं दूसरा से मांगा चांदा वाला है। अच्छा, वीडियो बन रहा है तो मैं पहन लिया हूँ। अच्छा, जो मतलब पब्लिक शो के लिए। शो के लिए। हाँ हाँ, तो गाइस चलिए हो गया कंप्लीट। वहीं से आए हैं। हाँ, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं और आप भी वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, तो बस यही कहूँगा, ये लड़का बहुत मेहनती है, मेहनत करता है। साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के कीजिए और सपोर्ट करें। तो बस इसी तरह सपोर्ट करें, हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे, लर्निंग का वीडियो लाते रहेंगे, सीखने का वीडियो लाते रहेंगे, पैसा कैसे बनाया जाता है और आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ाया जाता है, कैसा कैसा स्ट्रगल होता है, उसको कैसे फेस किया जाता है, वो सब आपके लिए वीडियो आता रहेगा। प्लीज़ इसको आप ही लोग हैं जो सबको आगे लेके गए हैं, इसको भी एक मौका दीजिए आगे आने के लिए। बस यही कहूँगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय।